और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दोबारा ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लाया हूं आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज और बात करूंगा आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो मात्र मात्र आपको 58 रुपए का डिविडेंड दे रहा है। 58 रुपए का डिविडेंड दोस्तों, समझ सकते हो। स्टॉक का भाई 460 रुपए का ट्रेड कर रहा है और आपको 58 रुपए का डिविडेंड ये दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, कितना शानदार डिविडेंड आपको स्टॉक दे रहा है। और साथ में स्टॉक के जो टारगेट निकल के आते हैं 615 रुपए के टारगेट दिए बड़े रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली आप स्टॉक को अपने नजरों में रख सकते हो क्योंकि आपको 58 रुपए का डिविडेंड तो मिलेगा। साथ में आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्टॉक का जो टारगेट है 615 रुपए निकल के आता है, क्योंकि कंपनी ने Q1 अर्निंग्स रिवील करी है जहां कंपनी के प्रॉफिट ठीक ठाक आया है। इतना जैसा अनुमान किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही आया है, मतलब ठीक ठाक आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेके चला स्टॉक के नाम की तरफ, इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ, चार्ट पैटर्न की तरफ, कहां बाय कर सकते हो, क्या स्टॉप लॉस आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ समझ आएगा तो लाइक और शेयर पक्का कर देना। चले मैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। जी हाँ दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड। आप देख सकते हैं स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ जिसके रिजल्ट अच्छे आए, 58 रुपए का आपको डिविडेंड ये देगा और 7 पे कंपनी के प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। रिटर्न आप देख सकते हो सिक्स मंथ की 12% का गेन दिया है। मैक्स चार्ट आप देखोगे तो स्टॉक अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आपको मैं न्यूज दिखा देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो जिस न्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, बाय BPCL टारगेट प्राइस ऑफ 615 अभी मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। 1500 रुपए का टारगेट दिया है दोस्तों, 615 रुपए का टारगेट दिया है, 615 रुपए का मोतीलाल ओसवाल ने। अभी जो प्राइस सेट करा 462 रुपए के अथवा दिख जाएगा आपको। ठीक है, अगर बात करते हैं डिविडेंड की, जैसे मैंने आपको बतलाया कंपनी आपको डिविडेंड दे सकती है 58% के आसपास। मैं आपको दिखाया था, देख सकते हो दोस्तों, ये रहा ये 58 रुपए का फाइनल डिविडेंड का प्लान ये कर रही है। अगर दोस्तों डेफिनेटली आप स्टॉक को नजरों में रख सकते हो, 58 रुपए का डिविडेंड अगर आपको मिल जाता है, और मुझे लगता है दोस्तों अगर ये प्लान इन्होंने कर लिया है तो ये अप्रूव भी हो जाएगा क्योंकि 58 रुपए का डिविडेंड आपको देने वाले हैं। तो अगर मिल जाएगा तो दोस्तों डेफिनेटली सोने में सुहागा हो जाएगा कि स्टॉक ऑलरेडी काफी सस्ते में ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक काफी ऊपर तक जा सकता है। स्टॉक का जो टारगेट 615 रुपए का टारगेट निकल के आता है वो भैया किसने कहा है, मोतीलाल ओसवाल ने कहा है। अगर ये कह रहे तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। और 58 रुपए का डिविडेंड है दोस्तों, ये समझो हो चुका है, बस आपको 58 रुपए का डिविडेंड मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये मोहर लग चुकी है, बस आप AGM जो होनी है उसका वेट करो, लेकिन मुझे लगता है मोहर लग चुकी है। आप स्टॉक को अभी से एकुमुलेट करना स्टार्ट कीजिए अगर आपको करना है। ठीक है, अगर आपको डिविडेंड चाहिए और अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप उसको एकुमुलेट करना स्टार्ट करो, जितना नीचे गिरे उतना बाय करना स्टार्ट करो। राइट, एक बार देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है। अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हो तो हम स्टॉक में कैसे कामकाज कर सकते हैं फाइनेंशियली, मतलब कंपनी कैसी साउंड हो रही है तो आप देख सकते हो। ठीक है, कंपनी का जो मार्केट कैप है काफी बेहतरीन मार्केट कैप है, 1,00,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें दिख जाता है। ठीक है, अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की दोस्तों, देखिए 9% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड आपको ये दे रहा है जो काफी बढ़िया है भाई। ठीक है, नीचे लेके चलता हूं तो देखने को मिल सकता है काफी अच्छा डिविडेंड आपको देता है। जैसे आपको पता है कंपनी डेट रिड्यूस कर पा रही है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देख सकते हो, जून के आ चुके हैं, अर्निंग्स आ चुकी है। जैसे नेट इनकम की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की, तो 2873 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिया है। आई नो अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट अच्छे नहीं है, लेकिन इसकी इससे कंपेयर करोगे जून 2020 से तो कंपनी के प्रॉफिट काफी अच्छे आए हैं। आप देख सकते हो 800 करोड़ का जंप देखने को मिला है प्रॉफिट, आप बोल सकते हो। तो कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक है, जैसा अनुमान किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही आया है। ठीक है, अगर बात करते लास्ट 10 साल में कंपनी कैसा काम कर रही है तो उसको आप देख सकते हो, कंपनी के प्रॉफिट आपके सामने लगातार प्रॉफिट में आपको एक ग्रोथ नजर आ रही होगी। और करंट TTM में हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाता है 17,000 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, तो काफी बड़ा प्रॉफिट है, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाता है। बात करते हैं बैलेंस शीट की तो दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो भी उसमें आपको एक ग्रोथ नजर आ रही होगी, 51,000 के रिजर्व हो चुके हैं। और जो डेट है देखिए चुका रही है, डेट 65,000 था, आज 47,000 है, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास का डेट कंपनी ने दिया है। काफी अच्छी बात है भाई, डेट चुका रही है और साथ में 7,000 का कैश कंपनी के पास अभी पड़ा हुआ है मार्च 2021 खत्म होते होते। बात करते हैं सेल्डी पैटर्न, देख सकते हैं 52% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा है। FIIs की होल्डिंग 12% के आसपास है दोस्तों, FIIs की होल्डिंग होना नॉर्मल बात है स्टॉक में, क्योंकि भैया 9% का डिविडेंड दे रही है और 58 रुपए का अगर ये आपको पर शेयर डिविडेंड देगी, अगर आपके पास एक क्वांटिटी भी स्टॉक की पड़ी है ना तो 58 रुपए तो आपको ऐसे ही मिल गया। समझ गए, समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। अगर स्टॉक गलती से ऊपर चले गया
जो 615 रुपए का टारगेट आया है, तो लगा लो भाई 462 और 615, ऑलमोस्ट 200 रुपए का गेन आपको वहां से मिल जाएगा और 58 रुपए आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको ऑलमोस्ट 258 रुपए का प्रॉफिट हो गया और आपकी बाइंग कॉस्ट 462 रुपए है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 50% का गेन आ गया। तो भैया FII इसके लिए क्या चाहिए, भैया इसको ये चाहिए कि उसको डिविडेंड अच्छा मिले, और क्या चाहिए, और वो दे भी रही है कंपनी, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग देखिए मात्र 10% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके दोस्तों मुझे लगता है कंपनी के जो फाइनेंशियल है काफी अच्छे है, आप स्टॉक को अपने नजरों में रख सकती हो। अब दोस्तों एक बार बात करते हैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न की। दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक ने एक हाई बनाया था, ऑलमोस्ट कब बनाया है हाई, ऑलमोस्ट 9/6 को बनाया, मतलब 9 जून के आसपास का बनाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक एक, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ से ब्रेकआउट किया है, अगर आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ ब्रेकआउट हो गया। तो आप क्या करो, स्टॉक को आप यहाँ पर एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ कहीं भी आप एक्युमुलेट कीजिए और मात्र ये छोटा सा स्टॉप लगाइए। मैं भी अब खुद सोच रहा हूँ कि स्टॉक में पैसा लगाया जा सकता है, मात्र ये छोटा सा स्टॉप आप लगा सकते हो, ये छोटा सा स्टॉप जो निकल के आता है हीरा, ये स्टॉक लगाइए 428 रुपए का, एंड आप स्टॉक को 450 रुपए, 467 रुपए और 400 जिसका हाई बनाया है 468 रुपए के आसपास बाय करके चल सकते हो। एंड जो टारगेट मुझे लगता है पर्सनली ये आपको 490 रुपए के टारगेट तो आराम से दिखा सकता है। तो आप क्या करोगे, आप 440 रुपए का स्टॉप लगा के स्टॉक को एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टॉप लगा लीजिए, अगर मैं इसको बाय करूंगा तो 460 का या 450 का मेरा स्टॉप रहेगा, ठीक है। एंड अगर बात कर रहा हूँ एक्युमुलेशन प्राइस, तो वो रहेगा आपका 468 के ऊपर बाय स्टार्ट होगा मेरा, और थोड़ा अगर नीचे गिरता है तो मैं बाय करूंगा स्टॉक को 460 के आप, मतलब 468 और 460 का मेरा बाइंग कॉस्ट रहेगी, इसके बीच में जो भी कॉस्ट मुझे मिल जाए एवरेज मेरी, वो मेरी कॉस्ट रहेगी, ठीक है। टारगेट दोस्तों मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा स्टॉक में, अगर बाय करूंगा तो 490 रुपए के आसपास का मेरा प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। एंड टारगेट दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, टारगेट 490 का पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन है, और जो नेक्स्ट टारगेट स्टॉक का रहेगा, मुझे लगता है पर्सनली ये स्टॉक आपको आराम से 490 छोड़ो, ये बहुत बड़े टारगेट आपको दिखा सकता है, कम से कम आप 550 तक के टारगेट के इस स्टॉक में देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप स्टॉक को एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो 468 रुपए से लेके 460 रुपए तक, और 440 का स्टॉप लॉस लगाओ, 490 का पहला टारगेट है और 550 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं भी स्टॉक में पैसा लगाने की सोच रहा हूँ, अब देखते हैं कि मेरी बाइंग कॉस्ट क्या रहती है। अब आपकी जो रहेगी आप मुझे कॉमेंट कर देना। साथ में आप जानना चाहते हो कि मैं जब स्टॉक को बाय करूंगा और जब एग्जिट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं टेलीग्राम या ट्विटर या इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा, तो डेफिनेटली वहाँ चेकआउट करना, फॉलो करना ना भूलना, राइट। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि क्यों आपको इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए, राइट।